आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी के मौके पर यूपी बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी ने दो वीडियो जारी करके सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आम जिंदगी और चुनावी जिंदगी का जिक्र किया है। बीजेपी ने अखिलेश के वीडियो को लेकर ही उन पर वार किया है। तो दूसरे वीडियो में बीजेपी ने रावण के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी ने विपक्ष पर रावण के दहन को लेकर वार किया। बीजेपी ने लिखा कि रावण का दहन किया जाता है, चयन नहीं। वीडियो के जरिए बीजेपी ने विपक्ष की लीडरशिप को लेकर सवाल किया है। विपक्ष के चेहरे पर निशाना साधते हुए उसकी नीति और नियत को भी कटघरे में खड़ा किया। रावण दहन के बहाने विपक्ष पर नेता विहीन होने का कटाक्ष किया है। तो विजयादशमी पर बीजेपी ने ट्वीट के जरिए विपक्ष को एक साथ घेरा है। सुनिए भाई साहब, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है वीजा के लिए। अच्छा अच्छा, अंदर स्टूडियो में चलिए जी। कहाँ जा रहे हो? जिनीवा, इंटरनेशनल लीडरशिप समिट के लिए। लीडरशिप समिट बढ़िया है। किस पे फोकस करूं? अरे मुझ पे फोकस तो हम पे होगी। आपस में लड़ो मत। लीडरशिप समिट में जा रहे हो और यही नहीं पता कि लीडर कौन है? अगर देश की 130 करोड़ जनता आप जैसों को चुनेगी तो दुनिया के सामने देश की पहचान क्या रहेगी? नीति कैसी होगी? नियत कैसी रहेगी? और सबसे बड़ी बात, नेता कौन होगा? अरे सर, रावण का दहन किया जाता है, चयन नहीं। अपनी सहमति देने से पहले मति से काम ले। देश हित में जारी। तो बीजेपी ने ये वीडियो जारी करके विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि चेहरे इतने सारे हैं और ऐसे में लीडर कौन होगा यही साफ नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर भी उन्होंने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। और ये वीडियो जो कि बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और ये ट्वीट किया गया है यूपी बीजेपी की तरफ से सपा प्रमुख की आम जिंदगी और चुनावी जिंदगी। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। इनके दर्शन और उनके स्थान पर मुझे फिर आने का मौका मिला। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। तो ये ट्वीट भी किया गया है बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ एक वीडियो जारी करके भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार चुनाव के वक्त ही उन्हें मंदिरों की याद क्यों आ रही है और मंदिर मंदिर क्यों जा रहे हैं। एक वक्त पहले जब अखिलेश यादव ये कहा करते थे कि मैं भगवान को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता हूं, और वही शारदीय नवरात्र के मौके पर ट्वीट करके सबको बधाई भी देते हैं, तो ये निशाना साधा गया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। और दूसरा वीडियो भी विपक्ष के लीडर को लेकर सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने पहले अखिलेश को चुनावी हिंदू बताया और फिर विपक्ष के चेहरे को लेकर निशाना साधा। तो चुनावी हिंदू है अखिलेश यादव, बीजेपी ने ये तंज कसा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं। संकल्प, दो तरीके से वार किया गया है विपक्ष पर। एक तरफ अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं चुनावी हिंदू होने का बीजेपी, और दूसरी तरफ विपक्ष का लीडर कौन होगा यही अभी तक साफ नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आईटी टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो लगातार जो विपक्ष है उसको घेरने के लिए तमाम मुद्दों को लेकर वीडियोस और जो फोटोज है वो जारी करती है। तो ऐसे में अब ये बड़ा वीडियो सामने जरूर आ रहा है, इसमें तंज कसा गया अखिलेश यादव पर। और कहीं ना कहीं जो धार्मिक राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने आप को जिस तरीके से तमाम धर्मस्थलों पर पहुंचती हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उस पर टिप्पणी की जाती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो चूंकि चुनावी बिगुल का आगाज सभी पार्टी
पार्टियों की तरफ से हो गया और तमाम पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की कवायतें कर रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से जो आईटी और सोशल मीडिया टीम है वो लगातार सक्रिय और विपक्ष को घेरने के लिए कोई भी ऐसी कहा जा सकता है कि मौका नहीं छोड़ना चाहती है, कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है। जो आईटी टीम है और जो सोशल मीडिया टीम है जो नेतृत्व के आधार पे कई ऐसे वीडियो जारी किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि भविष्य में भी लगातार ये जो कैंपेनिंग है विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और जिस तरीके से जनता में एक संदेश देने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और साफ तौर पर इसमें निशाने पर रहे अखिलेश यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जब तमाम जगहों धार्मिक स्थलों पर पहुंचे थे तो उनकी तरफ से बयान दिए गए थे, बयानों का भी इस पूरे वीडियो में जिक्र किया गया है। तो ऐसे में जहां प्रदेश की राजनीति आगामी चुनाव के लेके गरमाई हुई है तो इस तरीके के वीडियो कहीं ना कहीं और सनसनी जरूर पैदा करते हैं। कही बात दूर तलक तक जाती भी है, शायद इसी वजह से सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग को मजबूत करने की कोशिश कर रही बीजेपी और इसका फायदा पहले के चुनावों में भी बीजेपी को हो चुका है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेनिंग का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ था और कई इस बार जो तैयारी की गई है एक वॉर रूम बनाया गया है जिसमें तमाम पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के बाद में वहां तैनात किया गया है और समय समय पर जो नेतृत्व है वो उनको निर्देश देता है कि किस तरीके से कौन सी बातें जनता के बीच में पहुंचानी है, कौन सी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच में पहुंचानी है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार भारतीय जनता पार्टी सक्रिय दिख रही है। हालांकि अन्य जो विपक्षी दल हैं तमाम इसमें कमजोर जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश इस वक्त अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, ये तो जनता तय करेगी ना कि चुनावी हिंदू कौन है कौन नहीं है और ये दो वीडियो जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने काम किया, नाम अपना कर रहे हैं बीजेपी वाले। जनता ने तीन बार अपना भरोसा दिखाया है भारतीय जनता पार्टी में और फिर भी इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती है तो इनकी बुद्धि के ऊपर मैं क्या कहूँ। और ये कभी चुनावी हिंदू नहीं, ये मौका चेहरे के हिंदू हैं। जब जब इनको लगता है कि नहीं अब ऐसा मौका है कि हम अपने आप को हिंदू दिखा सके और वो चुनाव के समय ही आता है तो ये अपने आप को सबसे बड़े हिंदू दिखाना चाहते हैं, सबसे बड़े ब्राह्मणवादी दिखाना चाहते हैं, सबसे बड़े अपने आप को पिछड़े और दलितों का मसीहा दिखाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है ना तो ये हिंदू है क्योंकि हिंदू तो जब अर्थ आता है वे ऑफ लिविंग है, ये आप किस प्रकार से जीवन अपना यापन कर रहा है उसका तरीका बताता है, उसके तरीके का बिल्कुल विपरीत अपने कर रही हूँ। लेकिन देखिए ना मैम, जो भगवान होते हैं वो तो सबके होते हैं ना, दिलों में बसते हैं, तो अगर कोई नहीं भी मंदिर जा रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान से मोह उसका भंग हो गया है या वो हिंदू नहीं है। फिर अपनी कथित करनी में अंतर न करें ना, एक तरफ ये बोलते हैं कि मैं पूजा नहीं करता हूँ मैं हिंदू हूँ और फिर दूसरी तरफ आप देखिए कि मंदिर भी जाएंगे और पूजा अर्चना करने का ढंग भी करेंगे, तो एक चीज तय कर लें कि इनको करना क्या है, ये समझा क्या हुआ है कि भारत की जनता क्या मूर्ख है, समझ में नहीं आता उनको। और जिनके सबसे बड़े ये एडवोकेट बनते हैं तो वो कितना मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से तो हम सब काफिर हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, बुद्धप्रस्त लोग जो हैं, तो जब उनको खुश करना होता है तो कह देंगे कि भाई नहीं देखो ऐसा है मैं ठीक है जन्म से हिंदू जरूर हूँ, मैं पूजा अर्चना नहीं करता हूँ, और जब हिंदुओं से बात करनी होती है तो पूजा अर्चना भी करने लगते हैं। तो ये चुनावी या मोकेटेरियन हिंदू जो बनते हैं इनकी ये चाल यूपी में ना चली है ना चलने वाली है। यानी कि आप कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है ये सब कुछ और क्या, यही है। अनिला संजय, लेकिन चुनाव के वक्त में जाति धर्म ये सब चीजें आगे क्यों आ जाती हैं, क्योंकि बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव जीती आई है और वही दोबारा करने की कोशिश कर रही है इस बार भी। हमें देखिए हमें मुस्लिम मुस्लिम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ राजनीतिक दल है जो केवल ये कहना चाहते हैं कि नहीं अगर मुसलमानों का भला कोई कर सकता है तो हम कर सकते हैं। और मैं उन सभी राजनीतिक दलों को एक बार ही कई बार चुनौती दे चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे वो मोदी की सरकार हो चाहे वो योगी की सरकार हो जितना काम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया है बाकी राजनीतिक दल एक बार दिखा तो दें, गिना तो दें काम कि उन्होंने किया क्या है। हम तो सीधी सी बात है भाई, देश का नागरिक किसी भी धर्म और जाति का है, सबके विकास के लिए काम करते हैं, जो सोशल बेनिफिट स्कीम है वो जाति और धर्म देख के तो नहीं बांटते हैं। हाँ ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के समय ये जरूर देखा जाता था किस जाति और किस धर्म के उसके अनुसार आपको चाहे वो तरक्की हो चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर हो चाहे वो सोशल बेनिफिट स्कीम्स हो तभी दी जाती थी। अनिला सिंह जी, लेकिन आप पूरे विपक्ष को एक साथ रख रही हैं
आपकी पार्टी, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को अकेले उन पर पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये माने कि समाजवादी पार्टी से ही मुकाबला है आपका उत्तर प्रदेश में? इसमें कोई दो राय नहीं है, आज की तारीख में सबसे बड़ा विपक्ष अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। अनिला सिंह जी आप बने रहिएगा, अनुराग भदौरिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, अखिलेश यादव को चुनावी हिंदू बता रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनावी पार्टी है, ये चुनाव के समय आती है जनता से वोट मांगने के लिए। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे लोगों की मौतें होती थी, चाहे कोविड का, चाहे बुखार की मौतें होती थी, चाहे महिलाओं का चीरण होता रहा, चाहे महंगाई बेरोजगारी लोग आत्महत्या करते रहे, या रौंदा जाता रहा, ठोका जाता रहा, पीटा जाता रहा, या हत्याएं होती रही। अब तो नहीं आए, इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त ही आती है। हेलो, चुनाव के वक्त आती है और राजनीति की बात करती है। इससे तो ये सर वही तो ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त आप लोगों को भी मंदिरों की याद आती है। अरे हम तो मंदिरों की याद हमेशा रहती, लेकिन इनसे कहो इंसानियत का, इनको इंसान कब याद आएगा? कब इनको इंसान याद आएगा जो यहाँ पे लगातार मौतें हो रही है लोगों की, किसान की 6 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, उनकी याद कब आएगी? कोविड काल में लाखों लोगों की मौतें हो गई, उनकी याद कब आएगी? परिवार की बुखार से जिन बच्चों की, जिन माओं की गोदी सूनी होगी, उसकी याद कब आएगी? मुद्दों को इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए खाली जाति धर्म की राजनीति करने में माहिर है इंसान। अनिला सिंह जी, मुद्दों से ध्यान भटकाकर आप लोग जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं। नहीं, जाति धर्म की राजनीति क्या होती है, हम तो विकास की राजनीति करते हैं और विकास के दम पर आगे बढ़ते हैं। पर हरे रंग की अहमियत किसके मन में कितनी है वो अनुराग जी खुद ही बता रहे हैं, है ना? तो अरे क्यों परेशान हो रहे हैं अनुराग जी? दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अधर्म पे धर्म की विजय होगी अनुराग जी, अधर्म पे धर्म की विजय होगी और धर्म धर्म के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी रही है। तो अब आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में धर्म की विजय होगी, अधर्म की नहीं। धर्म का जैसा धर्म की बिल्कुल सही कह रही, मैं आपके बात से सहमत हूँ, अधर्म का नाश होगा। तो यहाँ 4.5 साल से लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, किसी को ठोक दे रहे हैं, किसी की हत्याएं हो रही है। मुझसे पूछा था अनुराग जी बीच में बोल रहे हैं, उन्होंने ये तो होगा नहीं। अनुराग जी रुक जाइए, आपके इस सवाल का जवाब मैं ले रही हूँ अनिला सिंह जी से। अनिला जी बोलिए, आऊंगी सर आपके पास दोबारा। ये वही समाजवादी पार्टी है ना, जब भगवान श्री राम का मंदिर ना बन सके इसके लिए कितने इन्होंने आंदोलन करे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने सरयू नदी को लाल कर दिया था, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कितने कार सेवकों को मार डाला था, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया ने कहा था कि मुझे संविधान की रक्षा करनी थी इसलिए मैंने गोलियां चलवा दी, लोगों को भून डाला जैसे जनरल डायर ने भून डाला था। तो आज ये समाजवादी पार्टी हमें सिखाएगी कि धर्म क्या है। हिंदुस्तान में धर्म की हमेशा विजय होती है, अधर्म का पतन होता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो अधर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ खड़ी मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने ट्वीट के जरिए विपक्ष को घेरा है और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा।